सरहदी कस्बे कलानौर के सरकारी हस्पताल दे विच डॉक्टरां दी बेहद ही कमी है। एमरजेंसी मरीजों नूं भारी दिक्कतां दा इत्थे सामना करना पैंदा है। रात नूं वी डॉक्टर गैर हाजर रहिंदे ने। दरअसल गुरदासपुर जिले के हलका डेरा बाबा नानक दे सरहदी कस्बे कलानौर के सिविल हस्पताल दीआं इह तस्वीरां ने जिथे मरीजों नूं भारी दिक्कतां दा सामना करना पैंदा है। दस्या जा रहा है कि इत्थे नाइट ड्यूटी उत्ते तैनात स्टाफ भी गैर हाजर रहिंदा है, जिस करके मरीजों नूं रात कटनी भी कई बार औखी हो जाती है। कई बार तो एमरजेंसी दे विच डॉक्टर भी नहीं मिलता। ब्यूरो रिपोर्ट अज दी आवाज़। ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਜੇ ਮਨਜੀਤ ਉਹਦੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਦਿਖਲਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਭਕੀਵੇਂ ਆਏ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਭਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। हूँ तो ना कुछ समा पहला मैंने रजेश जी का फोन आया है कि मैं कुछ तकलीफ ही तो मैं हस्पताल गया तो अगे डॉक्टर अवेलेबल नहीं सी तो जो उन्होंने जानकारी लैन की कोशिश की अंदर जोड़े कंसर्न इंपलॉई इस वे अवेलेबल से उन्होंने कहा कि इस टाइम डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। बट एक साइड तो गल की जाए कि पंजाब सरकार दावे करती पई है कि अं मोहल्ला क्लीनिक खोलने मोहल्ला क्लीनिक खोल रहे हैं इन्ने क्लीनिक नंबर दसद ही नहीं थकते है। और दूजे पासे जिले का मैनू लगता कि दूसरे नंबर का यह हस्पताल होएगा कि जिदे इन्नी ज़्यादा ओ पी डी होंगी आ जिन्हों इन्ने ज़्यादा पिंड लगते हैं कि उत्थे भी डॉक्टर की एमरजेंसी ड्यूटी नहीं हैगी। जदों पता किया गया कि डॉक्टर साहब क्यों नहीं है कि कहें कि कुछ उन्होंने जोड़े डॉक्टर ड्यूटी के सके उन्होंने कल तो कोई मैडिकल इशू हो गया इस करके उन्होंने एमरजेंसी के छुट्टी लैनी पैगी। ठीक है जी, एमरजेंसी किसी भी हो सकती बट उसका विकल्प तो कोई ना कोई होना चाहिए, उसका विकल्प कितना कितने लभना चाहिए। बॉर्डर के नाल लगता पिंड है, बॉर्डर के नाल लगता हस्पताल है, किन्ने पिंड इनू हस्पताल के विचों फैसिलिटीज़ लेंदे ने। रात बरात कोई कुछ कितने एमरजेंसी आ जाए किधर नू कोई दौड़ेगा। इस करके यो गुजारिश है कि भगवंत मान जी अगे बेनती है और सरकार अगे गुजारिश है कि मोहल्ला क्लीनिक खोलना ताड़ा चंगा कदम हो सकता है पर पहला जड़े हस्पताल चलते पे ने उन्होंने हस्पतालों का स्टाफ पूरा किया जाए, एमरजेंसी ड्यूटी जी है उन्होंने पूरा किया जाए ताकि प्रशासन भी इस तरफ ध्यान दे कि जड़ा कि इतने स्टाफ की पूर्ति की जाए कि मोहल्ला क्लीनिक तुम खोलते पे हो अच्छी गल साड़ी कोई वो नहीं है। बट हाँ जेडे ताडे पहला तो क्लीनिक चलते पे ने पहले तो हॉस्पिटल चलते पे ने उन्हां दी भी सार लई जाए कि इतने एमरजेंसी डॉक्टर का होना जरूरी नहीं है, इतने 24/7 डॉक्टर की जरूरत है। इनू किन्ने इस हॉस्पिटल नू कित्थों कित्थों तक लोग उम्मीद नाल आंदे आ, स्नेक बाइट के केस इस हॉस्पिटल को सब तो वध आंदे ने। हुण स्नेक बाइट का केस मैनू लगता फतेहगढ़ चूड़ियां तो अगे तक आंदे ने, कोई आस दे नाल अपना पेशेंट लैके इत्थे आया अगे डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है तो उत्थे की होएगा। इस करके मेरी सरकार अगे गुजारिश है कि इत्थे जिहड़ी एमरजेंसी ड्यूटी पूरी की जाए। मैं रजेश कुमार सच्चर कलानौर का निवासी हाँ, घंटा डेढ़ घंटा हो गया मैं आप ठीक नहीं सी हैगा, मेरे पेट के वट पै रहा सीगा, मेरी लत्तां खुसन दईयां सी ते मैं हस्पताल आया वा। मैं कहा मैं मैडिसन हस्पताल तो लै के आना, मैं अंदर गया वा, अंदर एक अपना मुलाजम बैठा सीगा एक नर्स बैठी सीगी, मैं कहा डॉक्टर साहब कितने ने, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब तो है नहीं गे, तो मैं वापस होकर चले गया। अजे मैं बाहर आन के खलोता ही हाँ, एक बच्चा आ गया जिहदी लत्त कोई सट लगी सी कोठे तो डिग पिया वा, उन्होंने भी इन्होंने जवाब दे दिता वा, एक नूं एक्सीडेंट होया अड्डे ते आ हुण इत्थे लै के उहदे लत्तां चों खून वगन दिया ही, वह भी वापस मुड़ के चल गया। इस हस्पताल का रब राखा वा बहुत माड़ा हाल आ, हस्पताल का बहुत माड़ा हस्पताल का। ये कहिंदे डॉक्टर साहब है ही नहीं गे, साडे कोल डॉक्टर है ही नहीं गे, ड्यूटियां ते किहदियां लाईए, ड्यूटियां है नहीं, डॉक्टर सीधा ही मना कर दिता डॉक्टर साहब ड्यूटी तो है ही नहीं गे। और SMO इन्ना चुस्त चलाक आ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ SMO ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ SMO ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜੀ।